नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। बलराज कुडू के बयान पर दिया बयान और कहा कि उनकी सरकार गुड गवर्नेंस पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के सभी काम होंगे हिंदी में। दादा ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर भी बोले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री ही अगर बनाना था तो पार्टी से क्यों निकाला। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज भिवानी पहुंचे और इस दौरान चौटाला ने कोर्ट परिसर में बने दो नए गेटों का लोकार्पण किया। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब कोर्ट के सभी काम हिंदी में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संकल्प पत्र में भी ये बात थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को अभी 60 दिन पूरे हुए हैं। सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान में उनकी पेंशन बढ़ाई है और अब 2250 रुपये पेंशन उन्हें दी जाएगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क बोर्ड वेलफेयर के रजिस्टर्ड वर्कर को 500 रुपये अधिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और उनके तहत सरकार के खजाने में 101,000 करोड़ अत्यधिक भार पड़ेगा। इसके लिए सरकार अधिक रेवेन्यू जनरेट करेगी और अधिक से अधिक सम्मान बुजुर्गों को देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की और कहा कि 10 वर्ष तक रही कांग्रेस ने मात्र 700 रुपये पेंशन बढ़ाई थी और उनकी सरकार ने 60 दिन में ही 250 रुपये बढ़ा दिए। वहीं महम के विधायक बलराज कुड्डू के बयान पर उप मुख्यमंत्री के नज़दीकी कहलाने वाले मनीष ग्रोवर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका टिप्पणी करना सही नहीं है क्योंकि उनकी सरकार गुड गवर्नेंस को क्लीन गवर्नेंस दे रही है। वहीं चौटाला ने गोहाना के डिपो पर सरसों तेल की गड़बड़ी के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जांच कर रही है, किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई भी होगी। वहीं इसके अलावा उनसे पूछा गया कि दादा ने कहा है कि सरकार बनती तो दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होते। इस पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी से निकाला ही क्यों गया, अगर उन्हें मुख्यमंत्री ही बनाना था तो पार्टी से क्यों निकाला गया, क्योंकि वे खुद स्वयं इस पार्टी को छोड़कर नहीं गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 75% रोजगार देने का वायदा भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर चार चीज 60 दिनों के अंदर जेजेपी के घोषणा पत्र की और तीन चीज बीजेपी के घोषणा पत्र की पूरी हुई है, मुझे लगता है कि इसकी अच्छी शुरुआत है। और अगर वो ये सोचते हैं कि एक दिन के अंदर बड़े बड़े आ जाए, तो मैं उन दोनों को, मेरे ख्याल से 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे, 10 साल में 700 रुपये पेंशन बढ़ाई, हमने तो 60 दिन के अंदर 250 रुपये बढ़ा दी। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 250 रुपये बढ़ने से भी प्रदेश के खजाने पर 1,000 करोड़ के लगभग का बोझ आया, उसके बावजूद भी सरकार ने ये कदम उठाया और हम रेवेन्यू और जनरेट करेंगे और इसको और बढ़ाएंगे। हमारे बुजुर्गों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी। गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह से गतिरोध है, बयानबाजी लगातार आ रही है, मुझे तो नहीं लगता, कल कैबिनेट में दोनों साथ थे और खुल मिलकर बात कर रहे थे। गोहाना में जो डिपो होल्डर में तेल सप्लाई हो रहा था, तो उसमें मिलावट है, लोग बीमार हो रहे हैं। मेरे पास एक कंप्लेंट आई है और उसके ऊपर जो ACS फूड एंड सप्लाई है, उनने एक टीम भी गठित कर इसकी इंक्वायरी। क्या लगता है कि इसमें जांच होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एफेड का सरसों का तेल सप्लाई होता है। अगर एफेड के वेयर हाउस से लेकर और डिपो के बीच में कहीं मिलावट होती तो ऐसे तत्वों को हम जरूर पकड़ कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन देंगे। गठबंधन पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि 5 साल सरकार आपके हिसाब से चल पाएगी? मैं और खड़े हैं विधायक जी साथ, इसे स्टेबल क्या होगा? उसके ऊपर टिप्पणी भी कर दी, उसके ऊपर आप लोगों ने भी कई दिन दिखाया, अब आप लोगों के पास और कोई सवाल नहीं है, फिर वही पूछ लेते हैं। सर, क्या मना पाएंगे उनको? हमारे बड़े हैं, मनाना हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारे संगठन का अंदरूनी मामला है, इसको हम हैंडल। निकट भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है क्या? ये सरकार का निर्णय होगा, जॉइंटली दोनों पार्टी अगर कोई फेरबदल करना चाहेगी तो जरूर। आज के दिन मुझे लगता है हर मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट को स्टेबली और स्मूथली चलाने का काम। मेरे को पार्टी से निकाला किसने? क्या मैंने जनसभाएं कर रहे हैं आज, दादा भी पोता भी भिवानी में है, तो किन मायनों में लेते तो आज बाहर की तरफ से न्योता था ना, तो मैं सभा कर रहा और अपना कार्य कर रहा हूँ, उनकी पार्टी का काम वो संभाले।
सर बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये की आपने मैनिफेस्टो में, ये तो शुरुआत है 60 दिनों में अगर 250 रुपये बढ़ी है तो धीरे धीरे अभी तो 4 साल और 10 महीने बाकी है, ये विश्वास रखते हैं कि जो वादा हमने करा है उसके पास जरूर पहुँचाने का काम करें। दुष्यंत जी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा लगातार एक राग अलाप एक बयान देते हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था लगातार जज्बा कहती थी लेकिन उसको कहीं फलीभूत नहीं कर पाई। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर चार चीज 60 दिनों के अंदर JJP के घोषणा पत्र की और 3 चीज BJP के घोषणा पत्र की पूरी हुई है तो मुझे लगता है कि इसकी अच्छी शुरुआत है। और अगर वो ये सोचते हैं कि एक दिन के अंदर बड़े बड़े आ जाए तो मैं उन दोनों को, मेरे ख्याल से 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे, 10 साल में 700 रुपये पेंशन बढ़ाई हमने तो 60 दिन के अंदर 250 रुपये बढ़ा दी। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 250 रुपये बढ़ने से भी प्रदेश के खजाने पर 1000 करोड़ के लगभग का बोझ आया, उसके बावजूद भी सरकार ने ये कदम उठाया और हम रेवेन्यू और जनरेट करेंगे और इसको और बढ़ाएंगे। हमारे बुजुर्गों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह से गतिरोध है, बयानबाजी लगातार आ रही है, मुझे तो नहीं लगता, कल कैबिनेट में दोनों साथ थे और खुल मिलकर बात कर रहे थे। वैसे गुहाड़ा में जो डिपो होल्डर में तेल सप्लाई हो रहा है सर, उसमें मिलावट है, लोग बीमार हो रहे हैं, मेरे पास एक कंप्लेंट आई है और उसके ऊपर ACS फूड एंड सप्लाई है, उन्होंने एक टीम भी गठित कर इसकी इंक्वायरी की। क्या लगता है कि इसमें जांच होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एफेड का सरसों का तेल सप्लाई होता है, अगर एफेड के वेयर हाउस से लेकर और डिपो के बीच में कहीं मिलावट होती तो ऐसे तत्वों को हम जरूर पकड़ कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। गठबंधन पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि 5 साल सरकार आपके हिसाब से चल पाएगी? मैं और खड़े हैं विधायक जी साथ, इसे स्टेबल क्या होगा सर? JJP के गद्दावर नेता माने जाते गौतम जी, सर उनके बयान ऊपर आप क्या कहेंगे? उसके ऊपर टिप्पणी भी कर दी, उसके ऊपर आप लोगों ने भी कई दिन दिखाया, अब आप लोगों के पास और कोई सवाल नहीं है फिर वही पूछ लेते हैं। सर क्या आप मना पाएंगे उनको? हमारे बड़े हैं, मनाना हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारे संगठन का अंदरूनी मामला है, इसको हम हैंडल। निकट भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है क्या? ये सरकार का निर्णय होगा, जॉइंटली दोनों पार्टी अगर कोई फेरबदल करना चाहेगी तो जरूर। आज के दिन मुझे लगता है हर मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट को स्टेबली और स्मूथली चलाने का काम कर रहा है। सब आपके दादाजी वो कह रहे हैं कि अगर आप MLO में होते तो CM होते। मेरे को पार्टी से निकाला किसने? MLO में एजेंडे पे क्या बात है? उसके ऊपर बिल ड्राफ्ट हो चुका, इंडस्ट्री के साथियों से चर्चा करी जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे बड़ा की रोल प्लेयर है इसके अंदर और कई समस्या इंडस्ट्री की भी सामने आई, उनको हम अमेंड कराकर मैं ये मानता हूँ कि बजट सेशन से पहले पहले हरियाणा प्रदेश में हम लागू करें।